तारीफ न्याय की गुहार लाने लग रहा है, भाई परिवार तो मेंबर भी चला गया और उसके बावजूद भी जो पीड़ित परिवार का कहना है अभी धमकियों का दौर बदस्तूर जारी है, बार बार धमकी दे जाऊं भाई पूरे कुटुंब को खत्म करने की धमकी देने लगे। हाँ सर दे मैं हाँ धमकी नु कहा जो अभी फंसागा ना उससे ना मारांगे, सरिता के बालका ना मारेंगे। मेरी बुआ नतन्यू भी कही है सरिता ना 4-5 साल अपने घर जा कर रह जाएंगे, क्यों रह जाओगी सर हमारा घर को ना हम उड़े वो करेंगे मारनिया तो जी उड़े भी मारेगा। तो तुम देख सको भाई एक लाचार और बेबस इंसान, पूरा नाम जी आपका? दयाचंद गाँव मांडोठी। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्म और इस टाइम मांडोठी गांव था। एक बार फिर तो हम लाइव जुड़ गए हो और कुछ दिन पहले तो हमने जो यह वीडियो देखी और लगभग 2-2.5 महीने पहले गांव के अंदर जो मर्डर होया एक महिला का, जिसमें आरोपी पक्ष यानी कि उस महिला को मर्डर करने के जो परिवार ने जो नाम लिखवा रखे थे लगभग 8 लोगों के नाम लिखवा रखे थे, जिसमें 3 गिरफ्तारी होली और उसमें एक पंचायत हुआ है और उस पंचायत में एक मानस बोलदा सुनाई देवे है वो मारे गए फिलहाल मौजूद है, जिनके ऊपर आरोप लागे हैं अगभी दबाव डालने के, समझौता करवाने के, धमकी देने के, कई डाल के आरोप लागे हैं। सेवानंद मारे गए मौजूद है, सेवानंद जी, हाँ जी। आपके ऊपर आरोप अगभी मर्डर के बाद जो है आरोपियों का बचाव करने खातर पंचायत करी गई और आपने जो है इस तरह की बात कही अगभी इसने मामले ने खत्म करो या लालच दे के या धमकी देगा, कुछ इस तरह की बात चल रही है? नहीं ऐसा जी, देखो दयाचंद मेरा साला है, सगा साला बिल्कुल, और मैं तो ये चाह रहा हूँ ये घर परिवार बसा रहा था, भाई भाई यहाँ झगड़ा था इनका सर, पंचायत में जरूर से खुद बुलाया हूँ भाई पंचायत लेगा, मेरी बहनों को भी साथ लेके आ जाओ और जैसे को वे कर लेंगे, तो हम तो निमटाने के लिए पंचायत में जो बात होती है वो करी थी भाई, को निमट जाए आगे कहानी ना बढ़े, आने वाली पीढ़ी के ऊपर कोई ऐसी बात ना आए। लेकिन सेवानंद जी उसमें जिस तरह जो नाम लिख रहे हैं, जिस तरह FIR हमने देखी थी, हाँ जी, FIR में 8 नाम आवे हैं, ठीक है, तो बाकी के जो आरोपी हैं उनको बचाने का काम क्यों कर रहे हो आप लोग? नहीं मैं बचाने का काम नहीं कर रहा जी, मैं देखो जैसे दीपक है वो अपना ऑन ड्यूटी पे था जिसकी हाजिरी लगी हुई है, अच्छा, और एक भानुमती है जो मेरी साले की लड़की है, अच्छा, साले की बहू है जो, सॉरी, वो मेडिकल में नौकरी करती है, दोनों की हाजिरी लगी हुई है, बाकी जो 3 थी दीपक की बहू कविता और दीपक की माँ, अच्छा, रोशनी और एक उसकी ओमकार ओमपाल की बहू पूजा, ये तीनों घर से निकली नहीं जिस टाइम झगड़ा हुआ, अच्छा, अंदर ही थी। तो इस बात की आप तो चलो गवाही दे रहे हो, गांव का कोई और मानस भी है इस बात खातिर कहना, गांव पूरा गांव है। चलो फिलहाल मैं एक बार फिर दर्शकों ने वह तस्वीर दिखा दूं, एक बार कैमरामैन वरुण रेड्डी तो कहूंगा मैं, एक बार दिखा दे भाई, एक बार लाइट बंद करिए। तो फिलहाल जो है नीतू यानी के जो जो महिला जो एक्सपायर हुई है उसकी जो लड़की है, जिस तरह अपना बयान दे दे किस तरह से ये देखो कुछ इस तरह की हालत हो गई थी। हालांकि देखो मारी पीड़ित परिवार के गेल भी सिंपैथी है, लेकिन एक बात जरूर कहोगे अभी बेगुनाह तो फंसना नहीं चाहिए और गुनहगार बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहे जी, बिल्कुल ठीक। देखो गांव के मौजूद व्यक्ति बैठे हैं सारे समझदार के, गलत तो नहीं कह रहे जी मैं, जिसने कसूर कराया उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन बेकसूर फंसना भी नहीं चाहिए। तो जिन लोगों के बारे में आप बात कहो हो भाई, जैसे मान लो 3 गिरफ्तारी होगी, पुलिस ने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करी, बाकी जो व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी को नहीं होने लग रही। देखो ऐसा है जी, जैसे दहेज के मामले में है समझे, एक जैसे पति पत्नी का झगड़ा होता है और वो सारे परिवार लिखवा देते हैं, तो उसके लिए तो पुलिस प्रशासन ही करेगा, तब जांच करेगा भाई असली अपराधी, असली अपराधी कौन है। जैसे पुलिस ने जांच पड़ताल करके 3 गिरफ्तार कर लिए, हो गए, बाकी की जांच चल रही है जी। जैसे 2 ड्यूटी पे है, वो घर से निकले ही नहीं, बाकी गाँव इसका गवाह है जी, गाँव से पूछो आप। जैसे वो तो बदनाम करने लग रहे, जैसे हमारे भाई का लड़का है वो सब इंस्पेक्टर लगा हुआ है। नहीं आप तो रिश्तेदार हो उनके, आप तो साज ले हो, हाँ जी, आपने ईसाई तो दयाचंद, हाँ, ईसाई नफे, हाँ जी, मेरे लिए बराबर, ईसाई जिले, हाँ जी, हाँ जी, क्यों जी, बिल्कुल रिश्तेदार तो सबके बराबर हुए हैं, हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। तो और कौन है जो गाँव के व्यक्ति जो इस बारे में नहीं बता सके, मौके पे उस टाइम पे वो मौजूद कौन थे और कौन है जी? और सारे जितने ये बैठे सारे मौजूद थे जी, हाँ जी, ये जो बैठे हुए जी। नहीं उस टाइम की घटना जी भी घटी है, क्या नाम है जी आपका? हाँ जी मेरा विनोद जी, विनोद, विनोद जी उस टाइम जी भी या जिस तरह लाठियां के लिए उसके ऊपर हमला हुआ, तो जो कौन से नाम आप बताओ जी जो उस टाइम नहीं थे जिनके नाम लिखवा रखे? वो जो एक तो कविता
और एक पूजा और एक रोशनी और एक बानमती और एक जो दीपक। अच्छा, ये थे पांच। क्या लागे जी आपने? वे नहीं थे जी, वो नहीं थे मौके पर। जिस टाइम हमला हुआ उस टाइम नहीं थे? उस टाइम वे नहीं थे। हाँ जी, क्या लागे आपने? हम दादा लागा उनके। हाँ जी, वो नहीं थे। नहीं थे? हाँ। अच्छा जी। हाँ, कोई और नहीं थे। अच्छा, और भी काफी सारे व्यक्ति। हाँ जी, आपने क्या लागे जी? कौन थे? कौन थे? तो फिलहाल भाई वही बात है, पुलिस प्रशासन से भी हमारी अपील है कि इस मामले में पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ जी, ये परिवार का ही जी। अच्छा, के नाम है जी? सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र, सुरेंद्र जी, जिस तरह जो बात लिकट कांड लग रही है भाई, उस टाइम पे ये जो आठ नाम आ रहे हैं जिसमें तो तीन की गिरफ्तारी होली, तो दूसरे नामा की जो बात है उसमें क्या लगा आपने? ना जी, ये एक दिल्ली का परिवार निर्दोष ही है, जिनका झगड़े में ही नहीं थे तो जी कैसे नाम लिखा रखे? नहीं, झगड़े में देखो इसी बात तो है को नहीं, भी झगड़ा होया ही नहीं, को नहीं हो झगड़ा हुआ था, नफे के परिवार का दहजन के परिवार का जिले का लिखा रखा जी खाम का नाम। अच्छा, के जिले के परिवार का नाम खाम खाली खाम खान हुआ भाई था, बस इतना था छुटाने गया था जी वो। अच्छा, कई बार वो बीच बचाव करनी अभी। हाँ जी, वो ये था जी। और पूछो जल्ले तो उसी बात में था, मैं खेत में पा रहा था, जमीन का झगड़ा हुआ, जल्ले घर से निकल के गया। समझी दो उस टाइम के? हाँ, मैं खेत में सीट पे मौके का चमदीद उनका दावा कर रहा है। क्या नाम है जी आपका? बाले। हाँ जी, बाले। बाले, क्या लाग गया जी आपने? जिस टाइम पर झगड़ा हुआ उस टाइम ये जो नाम आ अच्छा जी, खेत में आ रहा था, अपनी कृषि काम कर रहा था, पानी भरता था, जल्ले लिकड़ के गया, दयाचंद और दयाचंद गया था, उसके छड़का खोद मारा था नफे जा कर। अच्छा, नफे का लड़का लिख रहा, एक का लड़का था उस टाइम तो जो मैंने देखा। अच्छा जी, जिले ने बोला भी क्यों वापस में वो कर रहे हो, दुनिया तो टिकट खाक सोन लाग रही, तुम व्यवहार ठा रहे, बीच बचाव करने का प्रयास करेगा। हाँ, था जिले उस टाइम। चलो, कई डाल की बात लिकट का आने लग रही है, और उसमें तुम देख सको हो पूरा गांव जो है, गांव के मौजूद लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और वो इनका कुछ इस तरह का प्रयास दिखा है भाई, ताकि झगड़ा ना बढ़े, झगड़े को किसी तरह रोक किया जावे, कुछ इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। हाँ जी, अब जैसे अनाप शनाप कर रहे हैं, जैसे हमारे भाई का लड़का देख, सब इंस्पेक्टर लगा हुआ है, उसको बार बार उसे कोई ना उसने फोन किया है, ना उसका कोई रोल है, जानबूझ के उसको माए भाई इसको जो ने शामिल है ये सिफारिश करा रहा है हमें। लेकिन पीड़ित परिवार का न्यू कहना है भाई, वो अपनी वर्दी का इस्तेमाल कर रहा है उनका, ठीक है जी, देखो हमें भी दुख आता है उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, समझे मेरी बात, हम ये नहीं कहते, लेकिन हमने प्रशासन में छोड़ दिया जी, जो प्रशासन करेगा ना जी, हमने उसके ऊपर पूरा विश्वास है, बिल्कुल तहकीकात करो जी, बारीकी जांच पड़ताल करो, जो निर्दोष है उनको जो उन्हें निकालो। चलो, बात भी सही है भाई, वाक्य में जो निर्दोष है मां फेर कहेंगे, अगर भाई निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और जो दोषी है, जो कसूरवार है वो बचना चाहिए। तो हाँ जी, मैं नारी गांव से हूँ, दीपक का साड़ा। हाँ जी, वो ढाई तीन साल तक जब भी मैं उनका जाया करता सीधा कोथरी देने, तो वो ढाई तीन साल तक गाली गलोच, और मेरी बेबेजू क्या है थी भीतर कर ले मोटरसाइकिल को डबो गाली की हो बात ले गाली वाली देने लाग जाए, और मारे बटे होगा खाम खा नाम लिखवा रखा है, नफे का और उनका दाचंद का रोड़ा था, मारा मूसा छठवान गया था जले सिंह, तो वो छोटा छटाई में जो भी हुआ वो होया, उसका तो बेरा नहीं, पर मारा बटे ड्यूटी पर था उस टाइम पर। नाम है उनका? उनका दीपक नाम, दीपक जो उसमें पुलिस में है, जो पुलिस में नहीं है वो डीटीसी, वो उसमें क्लस्टर बस में, उनकी मेरे पास वीडियो भी है, जिले का लड़का है दीपक। दीपक के साथ ड्यूटी करता है जी। अच्छा, उस टाइम। हाँ जी, क्या नाम आपका? विनोद नाम है जी मेरा। तो विनोद भाई, जो जिले का लड़का है दीपक, जिस टाइम यू घटना घटी उस टाइम कित था? उस टाइम जी हम थे आजाद पुठे चले थे। अच्छा, मतलब अब रास्ते में आए, जब बात होती रही एक दूसरे से आपस में, कहाँ से आ गया कहाँ से आ गया, तो हम 10 बजे के आसपास पाड़म पहुंचे थे, जब हम मिले, जब उसने ये बताया था कि घर पे रोड़ा झगड़ा हो गया जल्दी चलना है, फिर वहाँ 10 बजे चले थे हम, एक घंटा लगता है कैर डिपो तक आने के लिए। अच्छा, 11 बजे 11:15 बजे अंदर करी गाड़ी, उसके बाद हम आए थे कम से कम 12:15 बजे पहुंचे थे, वो मेरे साथ ही जाता, मेरे साथ ही आता है, तो उसका तो नाम ये झूठा लिखवा रखा है, बाकी कैमरे चेक, जो भी चीज है ना, ड्यूटी का टाइम भी है। अच्छा, इसमें एक सीसीटीवी वीडियो और लिकड़ कांड लग रही है, जिसमें कि जो शिवानंद है उसका उसका जो मौसी का छोरा है उसको अपहरण करने की कोशिश करी जावे है। हाँ जी, कौन करवा रहा है? वो सखाकर वो ही करवा रहा है जी। अच्छा, हाँ, इमराज नाम है, अपने घर का मामला है उनका, और वो ही करवा रहा है, रोड़ा भाई ने भाई तजीब दाबले, हमने वो भाई का भी दुखा, हम बाण हूँ जी।
हाँ, पर वो नहीं निमटन दे रहा जी इमराज, अपने घर का मामला है और वो आके बीच में कर रहा है। नीतू की बुआ हुआ? हाँ, नीतू की बुआ हुआ, तीनों बुआ है। अच्छा, आप भी उनकी? हाँ जी, हम बुलाए उस भाई ने, आके मेरी बाणा ने बुलाओ, चेहरुआ नम समझौता करांगे, हम चेहरू बाणा आए, दोनों भाई ये आए, आके बुला के न और बातचीत चली मारी, बातचीत चली तो छोरी तो गाल बकन लगी, चिपटन बाजी, भाई ने बोले हमने समझौते कही तक जाओ, मेरी दिल पर कदम मत टेक दो, तो बड़े दुश्मन तमसो, हम जिन्हों चावा है ये दोनों उड़ते बस जा, हमने वो के बुंडा लग गए, मतलब बीच बचाओ या फिर कोई समझौते की बात करने के चक्कर में आप लोग दुश्मन बन गए? हाँ, इन दुश्मन, हम समझौते चावा हाँ की वो समझौता कर लो भाई, भाई गाँव में कई बार क्या होया करे, पंचायती परंपरा होया करे, दंड व्यवस्था होया करे, और उसमें जो सही मायने में जो गुनाहगार हुआ है उसको तो कानूनी तौर पर भी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन कई बार कुछ नाम वैसे घसीटे जावे हैं तो उसके ऊपर जो पंचायत हुई थी, इनका कहना है कि उसमें कुछ इस तरह की बात हमने जरूर कही थी, अगर भाई जिस तरह कितने कितने ये जो रोड़े झगड़े हैं या अगर बड़े रोड़े में तब्दील ना हुए, यूँ कहना है। क्या नाम आपका? सेवानंद। सेवानंद जी, जी तो वो कहानी ना बटे, इसलिए हमने जो ये किए थे और उन्होंने बुलाए थे हम खुद, भाई मेरी बहनों को लेकर आप आ जाओ, फिर बल्कि उन्होंने ये भी कहा पंचायत में गांव शामिल है, भाई चारों बहनों बोले खड़े हो लो मेरे थे और मेरे दरवाजे में चढ़ोगे। चलो चलो भाई, इन तस्वीरों पर छोड़ के तारते जान लग रहे हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना बके, बिना बिके, बेबाक पत्रकारिता हम जो है बिल्कुल निष्पक्ष, ड्यूटी टाइम आउट करते समय की। अच्छा, ये उसका बस का सीन है, ये उधर दिखाओ भाई, ये देखो भाई, जो इसमें जो टाइम भी है, जिस टाइम घटना घटी उस टाइम की वीडियो है ये सबूत जो है ये वैसे काफी है। अच्छा, ये देखो भाई, ये दीपक है नहीं, ये दीपक उस टाइम, इनका दावा है कि जिस टाइम ये घटना घटी गांव में उस टाइम दीपक जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है बस में, ये उसका चार्ट है भाई ड्यूटी टाइम का। तो अगर वाक्य में दीपक को यदि कोई निर्दोष फंसाने का कोई ऐसा प्रयास है तो उसके लिए गांव राम में यानी के गांव मांडो ठीक है जो मौजूद व्यक्ति हैं उनका भी एक प्रयास है पंचायती तौर पर, अगर इसमें निर्दोष व्यक्ति जो है वो फंसना नहीं चाहिए, तो उस तरह के प्रयास जो है कुछ नजर आए हमने, लेकिन इन प्रयासों में कितनी सच्चाई है, पुलिस प्रशासन तक एक अपील जरूर है कि मामले की निष्पक्ष जाँच करी जावे, हम कहा करा न पक्ष न विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष, तो बिना बिके, बिना रुके, बिना दबे, बेबाकी से हम जो है ये पत्रकारिता करेंगे और फिर कहेंगे कि वाक्य में जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। और जी, वो जमीन का जो झगड़ा था ना, वो झगड़ा क्लियर, उसकी कोई बात ही नहीं थी, बस वो खाली एक जमीन का विवाद चल रहा था, वो थोड़ा बहुत था, वो क्लियर हो गया था, वो खाम का एक नहीं, उनका यूँ कहना है, सुनो उसमें जो क्लियर बात मैं बता दूं, 85 गज का उनका हिस्से की जमीन है जिसके 25,000 रूपए बयाना उनको दे दिया गया था और बाकी की जो पेमेंट है वो उनको दे ही नहीं गई। वो तो उनके आपके सामने उन्हें जो भी बोला वो चीज है जो हमारी तरफ से था वो क्लियर हो चुका था, उसका कोई झगड़ा नहीं था। 2 लाख रूपए और देने थे, ऐसा मेरे को कुछ नहीं पता, पर बाकी मेरे को ये पता मना हो गया था, मना हो गया था, वो फैसला हो लिया था, वो कह दिया था भाई तू अपने बेच ले किसी तरह भी। अच्छा, बयाना वापिस हो लिया था, बयाना टाइम दिया था बहने का, बहने का 1 महीने का टाइम। अच्छा जी, ना किसी की ना किसी ना किसी जमीन को ना काम वाला लड़ाई लड़ रहे हुआ था जी, पंचायती हुआ था जी, वही बात है, वही पंचायती जमीन जो है वो इस ये जो एक जान गई है वो उसे लालच में गई है कितनी की, बिल्कुल। तो ये घटना काफी दुखद है भाई। हाँ जी, के को यह लड़ाई दोनों तरफ से थी जी, एक और तो नहीं थी, हक भैया अकेले उसका मारना आगे, पहले ये गई है पछ वे गई। चलो, जो भी है घटना काफी दुखद है और इन दुखद तस्वीरों पर मैं छोड़कर तारती जान लग रहा हूँ। अच्छा, कई चेहरे ऐसे हैं इस पंचायत के अंदर, कई चेहरे ऐसे भी हैं जो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, राह की बात कहने में भी कई बार सामर्थ्य चाहिए तो कई बार न्यू है भाई, क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव और दोनों परिवारों के बीच का मामला है, मतलब सारा ही मामला बिल्कुल परिवार के, दोनों सारे बस जाए भाई, वो भी सब उस भाई के कर भी हमने रहमावस्था। हाँ जी, अच्छा पड़ोसी होंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र, तो राजेंद्र भाई के लगा इसमें 8 लोगों के नाम लिखवा रखे हैं, तो ये जो बाकी के नाम लगभग 7 नाम है, जो ये गुनाहगार हैं कि नहीं है, सीधी बात जमा कति बिल्कुल बेकसूर जी। अच्छा, कितने करवा लो, कितने ले चलो, कितने कवा लो, दीपक है,
कविता के नाम है जी? दीपक अच्छा, और दीपक की काकी दीपक की भाभी बाबाई की। चलो फिलहाल जो है प्रशासन से फिर अपील करेंगे मामला का दूध और पानी का पानी कराया जावे, और ये जो पंचायत है इनका भी एक प्रयास है कि निर्दोष व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए, ये एक प्रयास है, और ये प्रयास जो है पुलिस प्रशासन ने भी करना चाहिए। सारे आदमी कितने भी ले चलो जी, सारे बिल्कुल बिल्कुल जैसे संदीप के बारे में बार बार कुछ को लिख के देते हैं, वो करवा रहा है ये करवा रहा है, जब तक संदीप ने किसी को फोन नहीं किया आप डिटेल निकलवाओ या दिखाओ। चलो पुलिस जांच में मामले का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब तक मेरा एक गांव मांडो ठीक है, प्रत्येक मौजूद व्यक्ति से मारी एक अपील जरूर है, भाई शांति बनाए रखियो, आपस में मन खाटे ना करियो। छोटी जो देखो घटना काफी दुखद थी, वरुण ती कूंगा थोड़ा और पाछो ले, माता जी आप थोड़ी उरान हो ले, घटना इसमें कोई दो राय को नहीं कि घटना बहुत ज्यादा दुखद थी, लेकिन संयम बनाए रखियो, पुलिस ने अपना काम करने दो, और आप लोग जो भाईचारा और पंचायती तौर पर जो व्यवस्था बन दियो उसके भी प्रयास जारी रखो। तो इन तस्वीर पर छोटू भाई, पंचायती व्यवस्था अपनी कोई आज की कोनी, बहुत पुरानी परंपरा है, और पंचायतों में बड़े बड़े विवाद सुलझाए गए, बहुत बड़े बड़े विवाद जो है, ये पुलिस का तो मामला चलो बाद में आया है, लेकिन पंचायती तौर पर बड़े बड़े मामले भी लाड प्यार में बैठ कर सुलझाए गए हैं। कुछ इस तरह का प्रयास यदि गांव राम की तरफ से होता हो तो वो सार्थक प्रयास हो सके भाई। तो इन तस्वीरों पर मैं छोड़कर तारती जान लग रही हूँ, वीडियो ने शेयर जहाँ तक कर दो ताकि भाईचारा कायम रहे, ताकि परिवारों में आपसी प्यार प्रेम बनिया रहे, या खैरा बैरी बढ़ के और विकराल रूप ना ले। कर दो शेयर भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।